आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। परम वीर चक्र सीरीज चल रही है और आज हम बात करेंगे 1948। वैसे तो बहुत सारे हीरो हैं लेकिन 1948 के युद्ध के आखिरी परम वीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन करम सिंह की। जबरदस्त दोस्तों, एक सिख थे और सिख हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, खुद कुर्बान हो जाएंगे लेकिन किसी पे आंच नहीं आने देंगे। तो हमेशा सिख जो है वो बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और करम सिंह ने क्या बहादुरी दिखाई थी दोस्तों। आज हम बात करें इनकी बहादुरी की, इनकी वीर गाथा की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिडेंट को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों परमवीर चक्र सीरीज चल रही है ये। अभी तक हमने बहुत सारे सोल्जर्स की बायोग्राफी कवर कर दी है। 21 सोल्जर्स को परमवीर चक्र मिला है, 20 इंडियन आर्मी के और एक इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम करम सिंह की बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1915 को हुआ था, सहना विलेज बरनाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब ब्रिटिश इंडिया। इनके पिताजी उत्तम सिंह एक किसान, उस समय हर कोई किसानी करता था तो इनके पिताजी एक किसान थे। और उसके बाद ये हालांकि शुरू में तो एक किसान बनना चाहते थे लेकिन उसके बाद इनका माइंड चेंज हुआ। वर्ल्ड वॉर वन में इनके गांव से बहुत सारे ऐसे जवान थे जो गए थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे गए थे। तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो वो बहुत सारे लोग थोड़े वेटरन थे, वो रिटायर हो गए और वो वॉर स्टोरीज बताते थे तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे करम सिंह। और करम सिंह के मामा जी ऑलरेडी आर्मी में थे तो वहां से फिर करम सिंह आर्मी में गए। भैया लंबे चौड़े तो थे ही, हिम्मत तो बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने फिर 1941 में आर्मी को ज्वाइन किया और बर्मा कैंपेन हुई वहां पे पार्ट लिया और इतना बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया था कि इनको बैटल ऑफ द एडमिन बॉक्स में जो इन्होंने लड़ी थी उसके लिए इनको मिलिट्री मेडल भी मिला था, ठीक है। तो ये चीज थी। लेकिन दोस्तों असली प्रॉब्लम आई 1947 में। अब दोस्तों हम देखते हैं, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि 1947 ये जो युद्ध था इसका थोड़ा मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था। तो हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं क्योंकि सिंस ये लास्ट हैं, ठीक है, परमवीर चक्र इनको लास्ट मिला था 1948 की जो लड़ाई हुई थी। इसके बाद फिर हम सीधा 1961 में जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तब जंप करेंगे और फिर 1965 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। वैसे एक परमवीर चक्र चाइना के साथ जब भारत की लड़ाई हुई थी तो मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी को रिव्यू कर चुका हूं, गजब की कहानी दोस्तों, इंस्पायरिंग कहानी। शैतान सिंह की जो टुकड़ी थी उनके पास हथियार थे ही नहीं, हाथों से लड़ाई की थी उन्होंने और हाथों से मारा था चाइनीज को और चाइनीज को मारा था, चीनियों को मारा था। सोचिए वो कितने एडवांस थे उस समय, हालत खराब कर दी थी उनकी, एक एक को पकड़ के मारा था। उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। तो अगर हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था दोस्तों, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें दोस्तों तो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1846 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन हुई थी। मेरी जो वॉर सीरीज है दोस्तों वो बंद हो गई है कुछ टाइम के लिए और बहुत लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आपने वो सीरीज क्यों बंद कर दी। दोस्तों मैं बहुत ही जल्द उसको रिन्यू करूंगा, मतलब दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, उसमें जो ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है ये पहले, इससे पहले 1846 से पहले ये 22 छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था जिसको एक राजपूत लीडर जो है वो देखता था। तो टेक्निकली वो सब हिंदुओं के हाथ में था। उसके बाद 1846 के बाद हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर जो है वो पिक्चर में आता है। गुलाब सिंह को यहाँ पे पहला राजा बनाया जाता है और प्रिंसली स्टेट हो जाता है, ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गया, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो है वो पहले राजा। अब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग है दोस्तों, इसको एक मत समझिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं वो एक समझ लेते हैं, अलग है। जम्मू में हम देखते हैं कि जो आबादी थी वो 50% हिंदू 50% मुस्लिम, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इक्वल थी, ठीक है। और टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू में, ठीक है। ईस्ट में हम देखते हैं उधमपुर, जम्मू, रायसी और वेस्ट में देखते हैं मीरपुर और पूंछ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन हम कश्मीर की बात करें तो यहां पर 90% जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी थी। अब 1947 आता है दोस्तों, बहुत टाइम से आजादी दो आजादी दो, पाकिस्तान अलग होना चाहिए पाकिस्तान अलग होना चाहिए। स्पेशली 1935 के बाद जब इलेक्शन हुए प्रोविंसेस में तब मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधा बोल दिया कि हमको अलग ही चाहिए, हम इसके बिना कुछ मानेंगे ही नहीं। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया गया 16 अगस्त को पाकिस्तान ने।
ग्रेट कैलकटा किलिंग्स हुई, बहुत लोग मारे गए दोस्तों, बहुत ज्यादा जाने गई गांधी जी। उसके बाद नोआखली गए, नोआखली रॉयट्स और ग्रेट कैलकटा किलिंग्स, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे पे मेरा लेक्चर अवेलेबल है। तो वहां गांधी जी से भी, गांधी जी के साथ भी बहुत ज्यादा खराब व्यवहार हुआ था, उनके रास्तों में कांच के टुकड़े फेंक दिए गए थे, हड्डियां फेंक दी गई थी। तो फिर गांधी किसी को, मतलब अब बंटवारा नहीं रोक सकते थे, पाकिस्तान अलग होना ही होना था, तो पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान तो अलग हुआ, लेकिन यहां पे दोस्तों 562 रियासतों को एक करना था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गजब का इंटेलिजेंस है, बहुत ही मुश्किल काम था दोस्तों। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, अगर हम उस समय ऐसा नहीं कर पाते, अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते और नेहरू नहीं होते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग का यूज करके, डिप्लोमेसी का यूज करके, डरा धमका के 562 रियासतों को एक किया था, और एक तो किया ही था, साथ ही साथ भारत को पूरा बना दिया था इन्होंने। जहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत थी, वहां पे उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे, ऑपरेशन पोलो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत के टुकड़े हो गए होते, भारत अलग अलग 562 राज्य होते। कैन यू बिलीव इट, आप सोच सकते हैं ना कितनी मुश्किल हो गई होती। जैसा रशिया में था ना, यूएसएसआर में, बाल्कन स्टेट्स के, एग्जैक्टली वैसा ही हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे और बहुत सारे लीडर्स थे जो बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे कि हम ये नहीं होने देंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि 1947 के बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, राजा हरि सिंह बोल रहे थे कि हमको आजाद रहना है, लेकिन यहां पे तीन ऑप्शन थे। देखिए, ब्रिटिश ने बहुत ही चालाकी से भारत को आजादी दे दी थी, लेकिन वो गेम खेल गए थे, माउंट ब्लैटन प्लान, वो बहुत ही बड़ा गेम खेल गए थे। अब यहां पे हुआ क्या कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या आप हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं, या आप आजाद हो सकते हैं। तो राजा हरि सिंह ने बोला कि हमको वैसे तो आजादी ही चाहिए, ठीक है, हम दोनों के साथ ही नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन जो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बोल रही थी हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का जो जवाब, जो पेशेंस था, वो जवाब दे गया, बोला कि अब हमसे और सब्र नहीं होता। और उन्होंने फिर वहां उनके जो आर्मी चीफ थे डगलस ग्रेसी, उनसे बोल दिया कि कश्मीर को ले लो, हम कुछ नहीं जानते, अब कश्मीर को ले लो। तो यहाँ पे अक्टूबर 1947, हालांकि ये जो पूरे पूरी रेडिंग है, ये बहुत पहले से, ये 1947 के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। कश्मीर के एरिया को पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की आर्मी कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि राजा हरि सिंह ने अभी तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था, तो टेक्निकली भारत कुछ कर नहीं सकता था। वरना अभी जो हम देख रहे हैं कि एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ले गया है, ठीक है, वो भले ही आजाद कश्मीर बोलता हो, लेकिन वही रूल करता है, वहीं पे उसकी फौजें और उसी की चलती है, वो भले ही आजाद कश्मीर बोलता हो। अगर उस समय 1947 में ही, या उससे पहले, या मतलब उससे पहले तो नहीं, 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया होता, तो आज वो जो पूरा एरिया है वो हमारे पास होता है। वो एरिया दोस्तों बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वहां से आप चाइना जा सकते हैं, आप रशिया जा सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, जो पूरा का पूरा वन बेल्ट वन रोड है, तो वहीं से ही तो गुजर रही है, पूरा विवाद उसी पे ही है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि 1948 में देर कर दी मेहरबान आते आते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आई मीन ये अक्टूबर 1947 में, 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया, बोला कि भैया हमारी मदद करो। क्यों साइन किया? क्योंकि उधर से पाकिस्तानियों का पूरा जो सब्र है वो जवाब दे गया, जवाब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि जाके पूरा इन्वेड कर दो, और पाकिस्तानी फोर्सेस एकदम भयंकर तरीके से कश्मीर में घुस गई। अब हुआ क्या दोस्तों, देखिए ये अगस्त से शुरू हुआ था पूरा ये जो इन्वेडिंग है। अब देखते हैं, यहां पे इंडियन आर्मी लड़ रही थी, ठीक है, किसके साथ लड़ रही थी अभी बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी थी, ठीक है, एक पाकिस्तानी आर्मी, सुनते रहिएगा, दूसरा आजाद कश्मीरी, तीसरा मोहम्मद लीग नेशनल गार्ड, चौथा स्वाइट आर्मी, पांचवा फ्रंटियर गार्ड्स, छठा गिलगित गिलगित स्काउट्स, ठीक है, सातवां जो ट्राइबल लोग थे, जो कबायली थे वो भी, और यही सबसे खतरनाक थे क्योंकि किसी लॉ को फॉलो नहीं करते थे, और आठवां जो पाकिस्तानियों ने रिक्रूट्स किए थे कि जाके सबको मार दो, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरी कॉन्फेडरेसी थी, और बहुत सारे देश पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो हम, ये बहुत मुश्किल थी भारत के लिए इन सबसे निपटना। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ट्राइबल्स थे, ये जो पश्तून थे, ये बहुत ही खतरनाक थे। ये क्या करते थे, ठीक है, ये यहां पे आते थे कश्मीर में, जब इन्होंने हमला बोला तो इतनी बुरी तरीके से बोला दोस्तों, इतना ज्यादा लूट खसोट इन्होंने मचाई है, इतने ज्यादा बलात्कार किए हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि एक आंकड़ा ये कहता है
कि ये लोग क्या करते थे कि जब इन्होंने उरी और ये जो कश्मीर का पूरा एरिया है, एक-एक करके ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था, ठीक है ना? ये जो कश्मीर को पूरा कैप्चर करने का एरिया था, इसका नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग, ये पाकिस्तानी आर्मी ने चलाया था, ठीक है? तो हम यहां पे देखते हैं कि एक-एक करके जो कश्मीर के एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, ठीक है, तो वहां पे ये औरतों को एबडक्ट कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे हिंदू औरतों को, और ये रावलपिंडी में जाके बेच देते थे। और बहुत सारी, कम से कम 400 औरतों ने तो इसी के कारण सुसाइड कर लिया था, खुद को खत्म कर लिया था, ताकि हमारी अस्मत ना जाए, हमारी इज्जत ना जाए। तो इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी। लेकिन पीछे कौन खड़ा है? हमारी आर्मी। हमारी आर्मी हमेशा जो है ना, वो आगे खड़ी रहती है सिटीजन के। जैसे ही 26 अक्टूबर आया 1947, वैसे ही उसके एक दिन बाद आर्मी भेज दी इंडियन ने। अब यहां पे नेहरू ने अपनी आर्मी भेजी, युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान से, और उसके बाद फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से पीछे खदेड़ दिया। श्रीनगर तक आ गई थी पाकिस्तानी सेना, ठीक है ना? श्रीनगर को पूरा कैप्चर करने की कोशिश की, ठीक है, और वो आगे बढ़ते जाते। देखिए, उनका स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि एक पॉइंट कैप्चर करो, उसके आगे बढ़ो, एक पॉइंट कैप्चर करो, उसके आगे बढ़ो। उरी को ले लिया, झंगार को ले लिया, नौशेरा को ले लिया, लेकिन भारतीय सेना जब आई ना, एक एक को भगा भगा के मारा। तो उसके बाद फिर वो सब पीछे हटने लगे। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये लगातार होता रहा था। पाकिस्तानी एक बार हारे, दोबारा वो आते थे, दूसरी बार हारे, दोबारा वो आते थे। वो पीछे नहीं हट रहे थे, वो खिसियाए हुए थे कि किसी तरीके से हमको कश्मीर चाहिए ही चाहिए। फाइनल असॉल्ट होता है दोस्तों अक्टूबर में। देखिए, एक चीज बहुत बढ़िया हुई थी, जहां जहां आर्मी अटैक कर रही थी, जहां जहां हमारे जवान अटैक कर रहे थे, वो हम एरिया जीत ले रहे थे, पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ दे रहे थे। तो अब दोस्तों फाइनल अटैक होता है अक्टूबर 1948 में, ठीक है, 13 अक्टूबर, ये ईद का दिन था, बहुत ही पावन अवसर था। लेकिन इसी पावन अवसर पे पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया भारत पे, ठीक है? तो ये अक्टूबर 1947 का था। इससे पहले मैं बता दूं, हम करम सिंह की बात कर रहे हैं, तो करम सिंह शहीद नहीं हुए थे, ये भी आपको बता दूं। ये बाद में सूबेदार भी बने, और उसके बाद कैप्टन की भी उपाधि दी गई 1969 में, ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि करम सिंह की टुकड़ी थी, सिख बटालियन के थे। अब सिखों का तो हमेशा से वाहे गुरु जी द खालसा, दे वाहे गुरु जी दी फतेह, हमेशा ऑलवेज वो तो मरने के लिए तैयार ही रहते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि लोगों पे आँच ना आए। तो बहुत ही बहादुर बटालियन है ये, सिख रेजिमेंट में करम सिंह तैनात थे, करम सिंह पोस्ट को संभाले हुए थे। और 13 अक्टूबर को टीतवाल सेक्टर से, पहले हमने बताया था जुलाई में, 17 जुलाई को जो जंग लड़ी गई थी पीरू सिंह शेखावत की बहादुरी से, वो टीतवाल सेक्टर को पूरा अपने कब्जे में ले लिया गया था। उरी सेक्टर पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, लेकिन वहां पे भी उनको खदेड़ दिया गया था। तो जो जो पाकिस्तान ने पोस्ट अपने कब्जे में ली थी, हमने खदेड़ दिया। लेकिन ये फाइनल रिसॉल्ट जो था, अब यहां पे पाकिस्तान, इससे पहले ट्राइबल्स थे, कबायली थे, अब उन्होंने बोला कि अब तो करो या मरो। पाकिस्तानियों ने क्या किया कि पाकिस्तानियों ने अब अपनी सेनाएं भेज दी, सोल्जर्स भेज दिए। आप नंबर जान के चौंक जाएंगे, 3,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने, अभी तक 500 सोल्जर्स, कहीं 200 सोल्जर्स, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, कहीं 300 ट्राइबल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, कबायली कम थी, लेकिन अब 3,000 से ज्यादा जत्थे में आ गए। क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे हमारी आर्मी ने बहुत कुछ कर दिखाया। तो दोस्तों, ये लड़ाई होती है रीच मार गली में, ठीक है, साउथ ऑफ दी टीथ वाली है, एलओसी के बहुत ज्यादा पास है, तो इसको तो करना ही करना था अपने कंट्रोल में। बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये, इसको अगर कंट्रोल में ले लेता पाकिस्तान, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जो दोस्तों 13 अक्टूबर को ये पूरा का पूरा असॉल्ट हुआ है, करम सिंह की टुकड़ी ने रोक के रखा। यहां पे दोस्तों एम्यूनिशन, पहले तो भारतीय सेना ने बोला कि तोपे आ जाएंगी, लेकिन बाद में एम्यूनिशन की कमी होने के वजह से तोपे आ नहीं पाई। अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या थी? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि हम क्या करेंगे कि एक के बाद एक अटैक करेंगे, पहले एक टुकड़ी को भेजेंगे वो अटैक करेगी, फिर दूसरी टुकड़ी को भेजेगी, तीसरी वो अटैक करेगी। यहां पे करम सिंह के जो सिपाही थे, करम सिंह की जो टुकड़ी थी, उसने कमाल कर दिया। तो 13 अक्टूबर को ये पूरा का पूरा रिचमार गली में, टीथवाल सेक्टर में ये अटैक लॉन्च करते हैं। तो एक वेव आई, यहां पे करम सिंह की पूरी जो बटालियन थी उन्होंने रोक के रखा। हालांकि ज्यादा जवान नहीं थे दोस्तों, 50 से 60 होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो गोली चलाते रहे, और एक वेव जो आई वो पाकिस्तान को रिपल्स कर दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं पाया, और बिल्कुल डटे हुए थे। अब यहां पे मोराल जो था वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था, लेकिन करम सिंह, यहां पे करम सिंह को ऑर्डर भी आ गए थे एक टाइम पे कि आप पीछे हटिए। करम सिंह ने मना कर दिया था कि मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, अगर वो वहां पे हट जाते तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, वो पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तानी ले लेते। तो यहां पे पोस्ट टू पोस्ट जाके करम सिंह जो है
वो हर किसी को इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि बिल्कुल भी हथियार मत डालना, और खुद भी लड़ाई कर रहे थे। यहां पे हम एक और चीज देखते हैं कि करम सिंह बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि देखिए, पहला अटैक हुआ, ठीक, पहले अटैक को पाकिस्तानियों के हटा दिया, दूसरा अटैक हुआ, दूसरे अटैक को भी हटा दिया, तीसरा अटैक तीसरे अटैक को भी हटा दिया, चौथा अटैक चौथे को भी, लेकिन पांचवा अटैक जब हुआ पाकिस्तानियों का, तब यहां पे करम सिंह जो है वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सोल्जर्स जो है पाकिस्तान में धीमे धीमे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब वो बहुत पास आ जाते हैं, ये अपने बंकर से निकलते हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स को हाथों हाथ मारते हैं, और उसके बाद वापस अपने बंकर में चले जाते हैं। तो ये कमाल की दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बहादुरी दिखाई थी। और यहां पे दोस्तों पाकिस्तानियों ने टोटल 8 काउंटर अटैक्स जो है वो लॉन्च किए थे, ठीक है, 8 काउंटर अटैक्स, और हर अटैक को नाकामयाब कर दिया था करम सिंह ने, आगे बढ़ने ही नहीं दिया था, इंस्पाइट ऑफ कि करम सिंह बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। करम सिंह को बहुत यहां पे पंप की वजह से, गोलाबारी की वजह से बहुत घायल हो गए थे, और उनकी टुकड़ी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन एक हाथ से मशीन गन पकड़े हुए थे और एक हाथ से वो MMG संभाले हुए थे, तो यहां पे दोनों हाथों से हथियार चला रहे थे वो, और फायर किए जा रहे थे पाकिस्तानियों के ऊपर। रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए, भारत की रिइंफोर्समेंट आ गई, और उसके बाद पाकिस्तानियों को वहां से भी खदेड़ दिया गया। तो ये कमाल की चीज हुई थी। इसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 1949 में युद्ध विराम लग गया, इसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ। हालांकि ये वैसे तो रिजल्ट इनकंक्लूसिव था, कौन जीता कौन नहीं जीता, लेकिन भारत को इसका विनर बोला जाता है, और भारत इसका विनर है भी, क्योंकि 70% से ज्यादा एरिया पे भारत का कब्जा हो गया था, और जो 30% बचा था ना, थोड़ा वक्त दे देते, यूनाइटेड नेशंस नहीं जाना चाहिए था, ये गलती कर दी यहाँ पे नेहरू जी ने, उनकी एक गलती हुई थी कि वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस लेके चले गए, उनको लगा कि ये कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, किलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही थी तो उनको लगा कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, वो अभी तक वहां पे अटका हुआ है। तो एक सीज फायर एस्टैब्लिश हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, अभी भी भारत की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री, उन दोनों की आर्मी उस लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी रहती है। तो सबसे पहले तो यही है यूनाइटेड नेशंस की, कि हम अब यहां पे ये हो रहा है कि पाकिस्तान ये कश्मीर में रेफरेंडम करा दो, ठीक है, अभी भी की वोटिंग करा दो, लेकिन वो वोटिंग तब तक नहीं हुई होगी जब तक दोनों की मिलिट्री है। तो यूनाइटेड नेशंस का सबसे पहला शर्त यही है कि पहले, सबसे पहले क्या करो कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाए, भारत अपनी मिलिट्री हटाए, तब वहां पे जाके रेफरेंडम होगा, ठीक है। तो ये अक्टूबर 1948 का ये आखिरी अटैक था, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में मामला चला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, लेकिन यहां पे जो विनर है वो क्लियर कट भारत है, 70% से ज्यादा भारत ने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, और इस बहादुरी के लिए करम सिंह को परमवीर चक्र मिला था। जी हाँ, 1950 में करम सिंह को परमवीर चक्र मिला। वैसे बता दूं, जब 1947 में तिरंगा फहराया जाने वाला था, तब 5 सोल्जर्स सिलेक्ट किए गए थे, उनमें से एक करम सिंह थे, तो कमाल की। हालांकि एक चीज आपको और बता दूं, 1993 में इनका देहांत हुआ, लेकिन इनकी फैमिली जो है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है गुरदेल सिंह, इनका देहांत 2010 में हुआ, गुरदेल सिंह और इनके बच्चे हैं, तो इनकी जो फैमिली है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो हाल ही में अभी काफी इनके जो पोते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा, सतनाम सिंह, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया था कि जो सरकार है बिल्कुल हमारी अनदेखी कर रही है, करम सिंह जो है मेरे दादाजी ने देश के लिए जान दी, लेकिन अभी हमको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ना हमको जॉब दी गई, ना हमको कोई पैसा मिला। अब देखिए, जो आर्मी है वो पोस्थोमसली देती है सारी चीजें, जो 20,000 की पेंशन आती है, ठीक है, प्लस आपको रेगुलर पे मिलेगा, टैक्सेस पे नहीं लगता, ऊपर से जो राज्य सरकारें हैं वो भी इनाम देती हैं, ठीक है, यहाँ पे मंथली पेंशन देती हैं, लेकिन वो तब देती हैं जब शहीद हो जाए। अब यहाँ पे शहीद नहीं हुए थे करम सिंह, तो यहाँ पे बहुत कहना है इनके पोते का कि हमको कोई भी जो है सुविधाएं नहीं मिली, और ये बहुत ही गलत है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इनके परमवीर चक्र की नीलामी कर दी गई थी, इनके परिवार वालों ने नीलामी कर दी थी। हिंदू में अभी एक एडिटोरियल भी आया था, और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, अभी ही हाल ही की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं शायद भारत सरकार को उनको भी देखना चाहिए, इनकी भी फैमिली को भी देखना चाहिए, और जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया उनको तो देखना ही देखना चाहिए। बहरहाल करम सिंह का जो योगदान है वो अतुलनीय है, इनका बलिदान अतुलनीय है, कभी नहीं भूला जाएगा। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम जाएंगे सीधा 1962 वॉर, इंडो चाइना वॉर पे, और तब देखेंगे अब वहां के परमवीर चक्र
अवॉइडीज की हम बात करेंगे, वीडियो योद्धाओं की बात करेंगे। कुछ रही पढ़ते रही, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।